बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की देश विदेश की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में चलेगा केस, राज्यपाल ने दी मंजूरी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का लगा है आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक होने से 2 कर्मचारी हुए बेहोश, एयरपोर्ट का 1.5 किलोमीटर का एरिया कराया गया खाली। भागलपुर में अगवानी पुल का सुपर स्ट्रक्चर फिर गिरा, ये 3 साल में तीसरा हादसा। बिहार में 2 साल में गिरे छोटे मोटे 21 पुल। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, आईबी की टीम मौके पर पहुंची, रेल मंत्री का कहना ट्रेन भारी चीज से टकराई। संसद भवन की सुरक्षा में बीते शुक्रवार को सेंध का मामला आया सामने, एक युवक दीवार फांद कर संसद परिसर में घुसा, वहां तैनात CISF के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 5 संसदीय कमेटी का किया गठन, ये समितियां सरकारी खर्चे की करेंगी जांच, सभी समितियों के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने का दिया ऑफर, स्वीडन की इमोग्रेशन मिनिस्टर मारिया स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव किया पेश, देश छोड़ने पर बड़ों को 80,000, बच्चों को 40,000 मिलेंगे। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घुसे विपक्षी नेता घायल, दरअसल अर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की फोन पर बात, जानकारी के अनुसार पश्चिमी एरिया में तनाव कम करने को कहा, साथ ही बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर हुई चर्चा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने दिया बड़ा बयान, कहा हिंदुओं पर हमला बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, मोदी से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया, साथ ही स्थिति को जांचने के लिए भारतीय पत्रकारों को देश का दौरा करने और घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए किया आमंत्रित। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी, सोना 941 रुपए बढ़कर 70,604 रुपए पर पहुंचा, तो वही चांदी 1,247 रुपए हुई महंगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में चुनाव की घोषणा होते ही जननायक जनता पार्टी में विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। दरअसल पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जसपा विधायक रामकरण काला, देवेंद्र सिंह बबली और ईश्वर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं ईश्वर सिंह ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं निजी कारणों से जसपा के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हूं, जिस कारण से मैं जसपा के सभी पदों और दायित्वों से त्याग पत्र दे रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जननायक जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य पार्टी दायित्वों को लेकर मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें। वहीं इसी प्रकार टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं जननायक जनता पार्टी के सभी पदों और दायित्वों की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा इस्तीफा मंजूर करें। आपको बता दें कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन वोट डाले जाएंगे, इस बार एक ही चरण में वोटिंग होगी। 1 अक्टूबर को वोटों की घोषणा की गई है, वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 4 अक्टूबर को परिणाम की घोषणा हो जाएगी। दरअसल चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में एजेंडे रखे गए लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया, ये एजेंडे चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया, जो एजेंडे रखे गए हैं उन्हें चुनाव आयोग को भेजा गया है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही उन्हें लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखी गई है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसमें वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। सिफारिश के अनुसार 10% कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाए, वहीं सूबे में अनुसूचित जाति कोटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बताते चले कि बैठक में 50,000 से ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की भी नौकरियां 58 साल तक सुरक्षित रखने का एजेंडा लाया गया है। जो लोग सुरक्षित नौकरियों के अध्यादेश के दायरे में नहीं आ रहे उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा बैठक में ग्रुप सी के तहत वन विभाग में भर्ती होने वाली महिलाओं की छाती मापने के मापदंड को भी हटाने का एजेंडा रखा गया।
नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा पर कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं, हम चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं और भाजपा हरियाणा में तीसरी बार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आएगी। हरियाणा की जींद के अंतर्गत जुलाना क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी पर बस व ट्राले की टक्कर हो गई। दरअसल टक्कर इतने भयंकर थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और चालक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। वहीं सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया और मृतक चालक को जींद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि जयपुर से लुधियाना जा रही बस जयपुर से लुधियाना जा रही थी। बस में सवार 27 सवारियां घायल हो गई हैं, जिनमें से 8 महिलाएं भी शामिल हैं। 17 घायल सवारियों को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है। ये घटना सुबह तड़के की बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत सांसद दीपेंद्र हुड्डा पिहोवा पहुंचे, जहां विधानसभा पिहोवा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा अनाज मंडी पिहोवा में आयोजित पदयात्रा रैली में उनका स्वागत किया गया। दरअसल बता दें कि रैली को संबोधित करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा पिहोवा के मुख्य चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ पदयात्रा करते हुए शहीदी स्मारक पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया। पिहोवा विधानसभा की अनाज मंडी से मंच से दीपेंद्र हुड्डा ने 33वें हलके की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा का भट्टा बिठा दिया है। हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा नॉनस्टॉप तेजी से बढ़ रही है। साथ ही कहा कि यही नहीं, प्रदेश पर कर्जा भी नॉनस्टॉप बढ़ता जा रहा है, जबकि विकास कार्यों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार अपने विज्ञापनों में नॉनस्टॉप की बात कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि नॉनस्टॉप क्या है। वही आज स्टार पहलवान विनेश फोगाट भारत लौट आई हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वही विनेश वतन वापसी पर इमोशनल हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के बाद भी मेडल ना लाने का मलाल विनेश के चेहरे पर साफ दिखा। विनेश का स्वागत करने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने विनेश को गले लगाया और विनेश खूब रोई। भारत लौटने पर विनेश फोगाट ने कहा कि आप सबका धन्यवाद, लेकिन भले ही विनेश पेरिस ओलंपिक में मेडल जीत नहीं सकी, पर उन्होंने हर भारतीय का दिल जरूर जीता है। इसी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश का भव्य स्वागत किया गया। विनेश की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे और विनेश ने एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हाथ जोड़कर सभी फैंस को शुक्रिया अदा किया। तो ये थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।